हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ के पहली त्यौहार हरेली की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। डियर पेरेंट्स, एक्चुअली आज मैं आप सभी से मिलना चाहता था, क्योंकि हमारा कल पेरेंट्स मीटिंग था और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स आ नहीं पाए। रीज़न था बारिश बहुत हो रही थी, तो बहुत सारे पेरेंट्स को आते नहीं बना। तो इस वजह से मैं चाहता था, हमें पेरेंट्स मीटिंग में कुछ फीडबैक्स मिला है और उस पर मुझे डिस्कस करना लगा कि बहुत ज़रूरी है, हमें बात करनी चाहिए। बिकॉज़ वी आर हियर टू क्रिएट योर चाइल्ड्स फ्यूचर बेस्ट, तो उसके लिए हमें काम करना होगा कुछ चीज़ों पर। तो मैं आज उन सभी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। और ओवरऑल हमारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, बिकॉज पेरेंट्स ने अपने कंसर्न शेयर किए, टीचर्स ने अपना जो काम वो कर रहे हैं उन्होंने बताया। तो मोस्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का एक ज़्यादा कंप्लेन था, होमवर्क नहीं मिलता है। यस, वी आर अवेयर ऑफ दैट, होमवर्क नहीं मिलता। होमवर्क मिलता है, बट एक्चुअली मैंने ही टीचर्स को बोला हुआ है, यू हैव टू मेक देयर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। ओके, कि हमें वो सतही ज्ञान के बजाय बच्चों को डीप अंडरस्टैंडिंग तक लेके जाना है। तो जब सतही ज्ञान और डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे में जब बात होती है, तो हमें ये समझना होगा कि एक बच्चा है जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखाया, ग्रीन बोर्ड पर लिखाया, और बच्चा उसको राइट डाउन कर रहा है, वो स्लो कर रहा है या फिर वो नहीं लिख रहा है। रीज़न पता है इसका क्या हो सकता है? इसके रीज़न दो तीन हो सकते हैं। पहला रीज़न, बच्चे को लिटरेसी नहीं आती, दैट मीन्स बच्चे को पढ़ना नहीं आता है। मैडम ने जो लिखा वो उनके लिए, जैसे मैं मान लो किसी ने चाइनीज लैंग्वेज में लिख दिया और वो मुझे नहीं समझ में आता, किसी ने बोला उसको राइट डाउन करो नोटबुक पे, तो मैं तो उसको गलत ही करूँगा या फिर मैं नहीं ही करना चाहूँगा, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्यों करूँ। तो एक रीज़न है नहीं करने का। दूसरा रीज़न है कि उसको जब भी वो समझ में नहीं आया है, पढ़ने ही नहीं आता है, तो वो लिखेगा कैसे? तो ये तो द फाइनल रीज़न है। ओके, तो उस कंडीशन पे मैं अगर इंसिस्ट करता हूँ, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके आई विल चेक इट टुमारो, तो बच्चा क्या करेगा? लिखेगा, लिख लेगा, बट उसको उसकी समझ नहीं होगी। सारे स्कूल तो यही कर रहे हैं क्या, कि होमवर्क देते हैं, बच्चा घर में बिजी रहता है बिकॉज उसको बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं, खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं है। भाई क्यों, चार सब्जेक्ट है, छः सब्जेक्ट है, सारे टीचर्स ने होमवर्क दिया है, बच्चा दिन भर वो होमवर्क ही कर रहा है। सी, देखो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के बच्चे हैं, है ना, हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग है। और हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हम वो सभी बच्चों को एक ही तराजू लेके तौलते हैं कि वो बच्चा कर रहा है, उसका बच्चा कर रहा है, इसका बच्चा कर रहा है, तो मेरा क्यों नहीं? यस, देयर इज़ अ लूप, क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे एक कारण है, क्यों नहीं कर रहा है। हम टोटली स्कूल पे डिपेंडेड हो जाते हैं कि टीचर्स होमवर्क देंगे तब बच्चा पढ़ाई करेगा, होमवर्क नहीं दिया तो बच्चा खेलेगा। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ओके, तो हमें क्या करना है पेरेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, घर में आपको एक रूल्स बनाने हैं बच्चे के साथ मिलके, अकेले रूल नहीं बनाना है, बच्चे के साथ मिलके रूल बनाना है। रूल्स के अंदर क्या होगा? नंबर वन, बच्चे के साथ डिसाइड करना कि बेटा पढ़ने का टाइम और खेलने का टाइम, चलो वी आर गोइंग टू चाक डाउन। ओके, तो हमें दो घंटे निकालने हैं बच्चों के लिए। दो घंटे के अंदर अगर जैसे 1 to 5 के बच्चे हैं, 1 to 8 के बच्चे हैं, तो वो सुबह भी पढ़ाई कर सकते हैं 1 hour, शाम को भी पढ़ाई कर सकते हैं 1 hour। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह और शाम 1 1 hours, यानी कि 2 hours का हम टाइम डिसाइड करें। उसके बाद का जो टाइम होगा वो टाइम आपने कंप्लीट किया, फिर आप प्ले करने के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। तो सो दिस इज द ओनली थिंग, यू नो, यू आर मेकिंग द रूटीन ऑफ योर चाइल्ड्स लर्निंग, तो वो रूटीन बनेगा। अदरवाइज क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा चलो पढ़ाई करो, बच्चा बोलता है नहीं नहीं आज तो मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया, तो फिर भी कुछ करो, तो नहीं कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं करना, फिर भाग जाते हैं, ऐसा पेरेंट्स का फीडबैक है। तो यस,
वो तो आपके बच्चे हैं, आपको तो थोड़ा सा उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर का सवाल है। तो ये आपको करना है पहला। अगर आपको इस पर कोई दिक्कत आता है तो आई विल ऑल्सो गाइड यू हाउ टू मेक प्लानर फॉर योर चाइल्ड्स। हम कैलेंडर बना सकते हैं, कैलेंडर में जैसे ही वो डे पे 2 आवर्स कंप्लीट किया आप क्रॉस कर सकते हो, तो एक हैबिट बन जाएगा, रूटीन पे आ जाएगा कि मुझे वो करना ही करना है। जैसे आज होमवर्क मिला, उसने होमवर्क किया, और बेसिकली हम होमवर्क बोलते क्यों हैं, तो फर्स्ट हमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जैसे होमवर्ड, होमवर्क को क्या करें, आज से हम चेंज कर दें, होम लर्निंग कर सकते हैं, राइट। होम लर्निंग, घर में कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, होम लर्निंग। होमवर्क तो वो घर का फिर काम हो जाता है ना, तो होम लर्निंग के अंदर जैसे आज मैम ने नहीं दिया कुछ भी, होम असाइन नहीं करा, तो आप उनके साथ बैठ के डिक्टेशन करा सकते हैं बच्चे को, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, नंबर्स, मैथ्स के अंदर आप डिक्टेशन करा सकते हैं। दूसरा चीज़ आप करा सकते हैं बच्चों को, चलो थोड़े बड़े बच्चे डिक्टेशन बहुत अच्छे से कर लेते, तो उनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप डिक्टेशन करा सकते हैं, क्योंकि वो याद नहीं हो रहा है बोलने से। और दूसरा कंप्लेन आता है क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आंसर्स बड़े होते हैं, क्वेश्चन तो याद नहीं कर पाते बच्चे। CBSE के अंदर आपको अगर कम्पीट करना है, अभी जैसे हमारे यहाँ ओलंपियाड हो रहा है, तो ओलंपियाड के अंदर कुछ पेरेंट्स का भी ये भी फीडबैक आया कि सर ये तो अच्छे से नहीं कर रहे हैं अब ओलंपियाड को क्या। यस, डेफिनेटली वो नहीं कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि वी आर नॉट फोकसिंग। हम बोलते हैं बच्चे के चलो पढ़ाई करो, तो दिन भर खेल रहा है, चल पढ़ाई कर। सो दिस इज़ गिविंग डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ नॉट इन्वॉल्विंग। वॉट यू हैव टू डू, इन्वॉल्व। आप अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व होइए। तो इन्वॉल्व कैसे होंगे, इन्वॉल्व होंगे बच्चे, बच्चा आज कर रहे हैं उनके साथ 2 घंटे, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी को एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपको 2 घंटे बच्चे के साथ में बैठ के वहाँ पर बकायदा ध्यान देके वो क्या क्या रहा है, एक्टिव होके उसको देखना है। कुछ नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, अब वो बैठेगा 4-5 वर्ड्स की स्पेलिंग ही याद करवा दीजिए। वो 2 आवर्स आपको उनको बैठना ही बैठना है एवरी डे, ये आपको करना ही करना है। अभी मेरा वीडियो बच्चे भी देख रहे हो, आपको 2 आवर्स आपको बैठना ही बैठना है बेटा। 2 आवर्स से कम होगा, आई विल आस्क यूर मदर एंड फादर, ओके, वो कम होगा तो I will give you the consequences, okay? Okay, not, I will not give you the punishment. I will give you the consequences, okay? So, ये आप लोगों को करना है, तो ओलंपियाड भी अच्छा होगा। क्यों? अगर हम 2 आवर्स का वो रूल्स फॉलो कर ले, तो ओलंपियाड ही बहुत अच्छा होगा। और हम लोग वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर मेकिंग देयर लिटरेसी वेल। और लिटरेसी के लिए हम लोग फोनिक्स की क्लासेस 1 और 2 पे बच्चों को हमने डाला हुआ है, और 1 और 2 की हैंड राइटिंग हम लोग सुधारने वाले हैं। 3 to above का हैंड राइटिंग पे इशू है, तो यू हैव टू यू नो उनको कोर्सेज के अंदर पे डालना होगा, आपको हैंड राइटिंग इम्प्रूव करानी होगी बच्चों की। और तो और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, एंड यस, अपने टीचर्स पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, ओके। सी, देखो डॉक्टर्स के पास ना बहुत सारे इलाज तो सिर्फ बिलीव, भरोसे पे ही ठीक हो जाते हैं, ओके? तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, हमारा स्कूल बेस्ट स्कूल है आपके बच्चे के लिए, और वो बच्चे एक बहुत बेस्ट स्टूडेंट्स बन के निकलेंगे। तो सबसे पहले हमको दूसरे स्कूल से या दूसरे बच्चों से पेरेंट्स कंपेयर नहीं करना अपने बच्चे का, ओके? हमको बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है कि वो रट लिया। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लिखे हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 90-95% उन्होंने परसेंटेज लाया, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रीड बुक्स। सो हाउ डज इट पॉसिबल, बुक्स नहीं पढ़ पा रहे, 95% लाया कैसे, रट लिया। तो उसने क्वेश्चंस रट लिए, आंसर्स रट लिए। सो दिस इज नॉट द एजुकेशन, ओके?
सो हमें बच्चों को रटाना नहीं है. इंस्टेड ऑफ दिस दैट मार्क्स कम आते हैं, इट इज़ ओके. अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो बच्चा ओवरऑल उसको क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है. यस, इफ़ यस, सो बिकॉज हमारा जो लर्निंग पिलर्स होते हैं, पहला सबसे पहला लिसनिंग होता है, बच्चा सुन रहा है. ये सेम चीज़ नर्सरी एलकेजी यूकेजी के पेरेंट्स बोलते हैं, सर राइटिंग वर्क, वेयर इज़ द राइटिंग वर्क, राइटिंग वर्क नहीं हो रहा है, एक दिन नहीं मिला सर, दो दिन नहीं मिला सर, अरे राइटिंग वर्क कहाँ है. सी, सबसे पहला होता है लिसनिंग, बच्चा सुन कितना रहा है. जितना वो सुनेगा, जितना वो सुनेगा, आपको आज रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, दो दिन बाद आपको सडनली रिस्पॉन्स करेगा, बोलोगे अरे वाह क्या अच्छा बोल रहा है. नहीं, लिसनिंग. तो लिसनिंग के बाद आता है स्पीकिंग, वो सुन रहा है फिर रिस्पॉन्स कर रहा है. ओके, स्पीकिंग. स्पीकिंग जब पार्ट उनका बहुत अच्छे से हो गया, कंप्लीट हो गया, देन थर्ड पार्ट आता है रीडिंग का. तो बच्चा कितना अच्छे से सुनता है, कितना अच्छे से बोलता है, कितना अच्छे से वो फिर रीड करता है बुक्स को, कितने अच्छे से वो रीड करता है, आइडेंटिफाई करता है लेटर्स को. देन उसके बाद आता है राइटिंग. विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेटर He is not able to write properly. Okay, तो identification पे हमको बहुत जोर देना है. बच्चा identify कर रहा है, homework हुआ है, class work दिया है, कुछ नहीं, but वो identify कर रहा है क्या? अगर हाँ तो it is well enough. वो writing कर लेगा, writing एक महीने में कर लेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है. Okay, तो ये आपको चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है. हम सब मिलके, साथ में मिलके बच्चों के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं, और वी आर वर्किंग टायरलेसली एवरी, यू नो, एवरी टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड्स फ्यूचर. सो आज मैं इतना ही आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, और आपको कभी भी कुछ भी डाउट होता है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी. ओके, सो जाते जाते मैं फिर से आप सभी को दिल से फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएँ, और हरेली त्यौहार की आपको गड़ा गड़ा बधाई. थैंक यू सो मच.